फ्रेंड, अगर आपने अपना पैन कार्ड अप्लाई किया है या फिर फ्रेंड आप अपने पैन कार्ड में किसी भी तरह का कोई करेक्शन या फिर चेंजिंग करवाया है और ये करवाने के बहुत दिन बीत जाने के बाद भी फ्रेंड अगर आपका पैन कार्ड आपके घर पे नहीं आया, आपके पास नहीं आया, तो फ्रेंड आपको ये चिंता होने लगती है कि आपका पैन कार्ड क्यों नहीं आया। आप ये सोचते रहते होंगे फ्रेंड कि कहीं किसी कारण से मेरा पैन कार्ड रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया है, और अगर रिजेक्ट नहीं किया है तो हमारा पैन कार्ड अभी तक आया क्यों नहीं, कहां फंसा हुआ है। तो ठीक उसी टाइम फ्रेंड आपको जरूरत पड़ेगी अपने पैन कार्ड की स्टेटस को चेक करना। लेकिन फ्रेंड आपको अपने पैन कार्ड की स्टेटस को चेक करना नहीं आता, तो फ्रेंड आप घबराइए बिल्कुल भी मत। आज की वीडियो में हम उसी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रेंड कि हम कैसे घर बैठे अपने पैन कार्ड के स्टेटस को चेक कर पाते हैं। तो फ्रेंड प्रोसेस स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी गए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड अपने पैन कार्ड की स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन या फिर अपने कंप्यूटर में ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे सर्च बार में लिखना है पैन कार्ड स्टेटस चेक, ठीक है, पैन कार्ड स्टेटस चेक। उसके बाद फ्रेंड आप सिंपली सर्च कर दीजिए। सर्च करते ही फ्रेंड आपके सामने जो सबसे फर्स्ट वाला लिंक आपको दिख जाता है ट्रैक योर पैन ऑब्लिक टैन एप्लीकेशन स्टेटस, आपको फ्रेंड इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपके सामने फ्रेंड यहाँ पे NSDL की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखता है एप्लीकेशन टाइप का, तो आपको फ्रेंड यहाँ से फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड अब आपको यहाँ पे एक्नोलॉजमेंट नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर दें कि एक्नोलॉजमेंट नंबर क्या होता है। जब भी फ्रेंड आप अपना नया पैन कार्ड अप्लाई करवाने गए हो या फिर फ्रेंड आप अपने पैन में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग करवाने गए हो फ्रेंड पैन कार्ड ऑफिस में, तो फ्रेंड वहाँ पे अप्लाई या फिर चेंजिंग करने के बाद आपको जो रिसीविंग दिया जाता है, आपको जो रिसिप्ट दिया जाता है फ्रेंड, उसमें एक्नोलॉजमेंट नंबर लिखा हुआ रहता है। ये फ्रेंड 15 डिजिट का एक्नोलॉजमेंट नंबर होता है। चलिए फ्रेंड अब आपके थोड़े और सहूलियत के लिए हम यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि ये रहा स्लिप, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर में देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया हुआ है। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के और इसकी स्टेटस को आपको चेक करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे हमने अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिया है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है फ्रेंड, आपको सेम कैप्चा कोड इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे मेरे पैन कार्ड का स्टेटस मेरे सामने है। यहाँ पे फ्रेंड आप स्टेटस में देख पा रहे होंगे योर एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड और चेंज और करेक्शन इन पैन डाटा हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, योर पैन कार्ड विल बी डिस्पैच्ड टू यू शॉर्टली। फ्रेंड यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड कि यहाँ पे जो हमने अपना नया पैन कार्ड अप्लाई किया था या फिर हमने अपने पैन कार्ड में किसी तरह का कोई सुधार या फिर उसमें चेंजिंग करवाया था फ्रेंड, तो वो इनकम टैक्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। और फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा पैन भी बन चुका है, जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट डिजिट शो कर रहा है, बाकी फ्रेंड वो हाइड रहता है। साथ ही फ्रेंड आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाएगा कि योर पैन कार्ड विल बी डिस्पैच टू यू शॉर्टली, ठीक है, मतलब कि आपका पैन आपके पास जल्द ही डिस्पैच कर दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहें फ्रेंड कि पैन कार्ड अप्लाई करते टाइम या फिर पैन कार्ड में चेंज या करेक्शन करते टाइम फ्रेंड अगर आपने अपना मेल आईडी दिया होगा फ्रेंड, मेल आईडी देने के बाद अगर आपको यहाँ पे स्टेटस में कुछ इस तरह का मैसेज शो करे कि आपका पैन कार्ड एक्सेप्टेड कर लिया गया है और आपको शॉर्टली डिस्पैच कर दिया जाएगा, तो फ्रेंड आप अपना मेल चेक कीजिए, आपके मेल पे उसकी सॉफ्ट कॉपी आ चुकी होगी फ्रेंड। साथ ही फ्रेंड अगर आपने अपना पैन कार्ड अप्लाई किया हो फ्रेंड और वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो फ्रेंड आप उसकी स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ रहेगा फ्रेंड कि योर पैन इज रिजेक्टेड। फ्रेंड आपने ये देखा कि हम किस तरह से घर बैठे अपने पैन कार्ड की स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।